उज्जैन पुलिस एक बार फिर एक्शन मोड में है। लगातार पिछले एक हफ्ते से आधा दर्जन से ज्यादा हिस्ट्री शीटरों के मकानों को ध्वस्त कर चुकी है। सोमवार को भी सीएसपी पल्लवी शुक्ला और नगर निगम के अपर आयुक्त सुबोध जैन की टीम द्वारा 3 हिस्ट्री शीटरों के मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गयी। बताया जा रहा है कि कुत्ता बावड़ी निवासी विजय बरगुंडा पर जिले के विभिन्न थानों में 27 से ज्यादा अपराध पंजीकृत हैं। वहीं विजय के पिता रमेश और भाई अर्जुन के भी कई गंभीर मामले महाकाल थाने और अन्य थानों में दर्ज हैं, जिसको देखते हुए मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। वहीं महाकाल थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बदमाश निर्मल बलबत के भी मकान को ध्वस्त किया गया है। सीएसपी ने बताया कि आरोपी पर जिले भर के थानों में 38 से ज्यादा अपराध पंजीकृत हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम की टीम के साथ मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। कल हमको 3 गुंडा अभियान के तहत 3 अपराधियों की सूची प्राप्त हुई थी, जिसमें एक कुत्ता बावड़ी का है, एक ये मकान जहाँ अभी अपन खड़े हुए हैं, तीसरा कहारवाड़ी का। तो तीसरा में दो तो हो चुके हैं, तीसरा कहारवाड़ी का भी अभी हम तोड़ने जा रहे हैं, वो भी अवैध रूप से बना हुआ है। गुंडा अभियान को जारी रखते हुए आज फिर से हिस्ट्री शीटर बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसके अभी 2 मकान को अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, जिसमें विजय बरगुंडा, जिसके विरुद्ध 27 अपराध पंजीबद्ध हैं, उसके पिता रमेश और भाई अर्जुन बरगुंडा, वे भी रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं। कई गंभीर अपराधों में इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हैं। इन्होंने समाज में भय का वातावरण निर्मित किया गया था। दूसरी कार्रवाई निर्मल बलबट निवासी पानदरीबा में की गई है। इसके विरुद्ध 38 अपराध हैं, जिसके अंदर मारपीट है, हत्या का प्रयास है, जुआ, सट्टा, अवैध दारू बेचना है। आज इनके अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया गया है। बिल्कुल, कहारवाड़ी में भी कार्रवाई की जाएगी अभी, और जैसे ही वो कार्रवाई संपन्न होगी अवगत कराया जाएगा। बहरहाल अब देखने लायक होगा और कितने बदमाशों पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।